नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी लाइव में। मैं हूँ आपके साथ हारिस। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक बखेड़ा उस समय खड़ा हो गया जब श्रीकांत त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ खतौली क्षेत्र में अपना डेरा डाल दिया। दरअसल श्रीकांत त्यागी अपने समर्थकों के साथ खतौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले त्यागी समाज के बहुलीय गाँव नावला में जा पहुंचे, जहाँ उन्होंने त्यागी समाज के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट करते हुए त्यागी समाज अब भारतीय जनता पार्टी के सामने वाले मजबूत प्रत्याशी को ही अपना वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्यागी समाज ने तो ऐतिहासिक वोट देकर सरकार बनाने का काम किया 2017-2022 में। उसका परिणाम त्यागी समाज को ये मिला कि त्यागी समाज के बच्चों पर झूठे मुकदमे, हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई, झूठे गैंगस्टर, एक छोटे से मुकदमे का षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित और कूटरचित तरीके से, जिस तरीके से हमें फंसाने का काम किया उसमें कोई न्यायिक जांच नहीं हुई। उसी क्रम में जब 21 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर की धरती पर त्यागी समाज की ऐतिहासिक रैली होती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देती है, नजरअंदाज कर देती है। और हमारी जो जेल में बंद आवाज थी उसको जब उठाने का हमारे समाज ने किया और 52 दिन का जो धरना और अनशन दिया मेरठ कमिश्नरी पर, उसकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और इस तमाम प्रकरण में हमारे लोगों पर लगे झूठे मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे त्यागी समाज गांव वोट मांगने आएंगे। इसी क्रम में एक चर्चा हुई जिसमें समाज ने, पूरे त्यागी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान भारतीय पार्टी का बहिष्कार किया। जैसे बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या आप लोग गठबंधन के साथ जाएंगे? ये निर्णय हुआ है कि अभी एक सीट खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। ये मान लिया जाए गठबंधन के साथ इस बार त्यागी समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव जो सामने मजबूत लड़ेगा वो तो कोई भी हो, हमारी पहचान आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होती जा रही है। हमारे समाज की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 200 से 100 बल लेने काम त्यागी समाज ने किया, उसको गुंडा अपराधी बदमाश बनाया जा रहा है, तो ऐसे में इनके खिलाफ तो आंदोलन हो गई। तो आप गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे अपने समाज के लोग? गांव गांव जाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी पहले ही बहुत गांव में जा चुके हैं और नावला भोवला गांव है, ये ऐतिहासिक गांव रहा है। बाहर से जब आए होंगे तो वहाँ भाजपा का बाइकआउट का बोर्ड भी देखा होगा आप लोगों ने, बहिष्कार का। आपके आने से पहले मंत्री जी का दौरा इस गांव में था। अभी आपने एक कहा है कि जो मंत्री जी है गुंडे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मंत्री जी के भाई जी जो है उन पर तमाम मुकदमे हैं और मुकदमों की श्रृंखला पर उन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार करे जी। अगर धरना देने के कोई अभियोगों में गैंगस्टर हो सकता है, धक्का देने के मामले में आपको 25,000 का नहीं बनाया जा सकता है।